नमस्कार फ्रेंड, आज बात कर रहे हैं 12 लीड ECG। ठीक है, वेन एवर हम इमरजेंसी में पोस्टेड है या कहीं पे भी पोस्टेड है, हॉस्पिटल में किसी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो हमें बोला जाता है कंसल्टेंट के द्वारा कि एक 12 लीड ECG निकाल दो। सबसे पहले हमें ECG और 12 लीड ECG वहीं पे कन्फ्यूज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसका देखेंगे आगे किस तरह के कितने ECG होते हैं, देन हाउ टू डू ECG, ECG किस तरह से करते हैं। ठीक है, ECG का प्लेसमेंट, कौन सी लीड कहाँ लगाई जाती है और किस लीड की वजह से हमारे कार्डियोग्राफ में क्या इफेक्ट आता है, और ECG के कुछ यूनिक पॉइंट, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट 12 लीड ECG। सबसे पहले तो ECG किस फंडामेंटल पे काम करता है, तो यह जो एक इमेज दिखाई दे रहा है आपको, यह इमेज विलियम इंथेवन ने इन्वेंटेड किया था और इसीलिए इसे फादर ऑफ ECG भी कहते हैं। ठीक है, और यह एक ट्राइंगल वर्क पे वर्क करता है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है ट्राइंगल है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आज के वीडियो में नहीं डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज यह वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ट्राइंगल की वजह से इसे इंथेवन ट्राइंगल कहते हैं, यह कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट लीड। चेस्ट लीड यह एक लाइव ECG दिखाई दे रहा है आपको, आपने जरूर देखा होगा। इसमें हम टोटल 10 वायर देखते हैं। ठीक है, और 10 वायर है, अब हमारे सामने आता है उसमें से 6 जो वायर होते हैं वो चेस्ट पे लगाए जाते हैं और 4 होते हैं वो लिम्ब पे लगाए जाते हैं, मीन्स 2 हाथ पे 2 पैरों पे लगाए जाते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब 12 लीड बोले जाते हैं, जबकि इसमें 12 लीड तो है ही नहीं, टोटल 10 वायर है, तो इसे 12 लीड क्यों बोला जाता है, तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। इसमें बाइपोलर लीड होती है, मीन्स ऐसी 3 लीड ऐसी है जो कि एक वायर है पर उसमें 2 लीड का काम करता है, जैसे कि राइट आर्म में एंड लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट लेग में। इसमें से पेरिफेरली में एक गायब है, वो है राइट लेग। राइट लेग को छोड़ के बाकी की तीनों बाइपोलर होती है। ठीक है, और यूनिपोलर होती है V1 to V6 जो चेस्ट पे लगाई जाती है, जो ये 6 लीड चेस्ट पे लगाई जाती है, एवं ये जो है 3 बाइपोलर यह लिम्ब पे लगाई जाती है। तो 3 × 2 = 6 and 6 = 12, मीन्स 12 लीड हो गई हमारी। अब राइट लेग, जो राइट लेग है वो न्यूट्रल होती है, तो इसका कोई रोल नहीं है क्या, क्यों इसको लगाया गया, क्या 3 लीड के साथ में हम ECG नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी एक यूनिक पॉइंट है जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो 12 लीड ECG है वो हम पेशेंट के कार्डिक स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, जैसे इसेमिया, MI, इसके लिए किया जाता है। अब है बाइपोलर लीड। सबसे पहले बाइपोलर लीड के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाइपोलर लीड है वो AVR, AVLN, AVF, जो ये 3 लीड है ECG में सेम टू सेम दिखाई देता है, AVR, AVLN, AVF, मींस इन तीन के 3 लीड की वजह से जो राइट आर्म में लगती है, लेफ्ट आर्म में लगती है एंड लेफ्ट लेग में लगती है, इन तीनों की वजह से तो ये 3 ग्राफ हमें शो होंगे, ये क्लियर है। बट अब हम बात करते हैं लीड 1, लीड 2, लीड 3, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीड 2 होता है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो लीड 2 है वो कैसे आता है, अब इस इमेज से आप समझेंगे कि AVR मीन्स राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, इन दोनों की वजह से क्रिएट होता है, वो है लीड 1। AVR राइट आर्म का नेगेटिव एंड लेफ्ट आर्म का पॉजिटिव, उसकी वजह से लीड 1 क्रिएट होती है एंड लीड 2 बनती है, वो राइट आर्म का नेगेटिव एंड फुट का पॉजिटिव, एवं थर्ड लीड बनती है वो AVL लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग की वजह से बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखते हैं, याद रखने के लिए राइट आर्म दोनों नेगेटिव है, ठीक है, एवं फुट दोनों पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली इनके साथ कॉम्बिनेशन में हमें लेफ्ट आर्म का याद रह जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ECG करने से पहले हमें कुछ यूनिक पॉइंट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो वायर एंड केबल इंस्पेक्ट करना होता है, कहीं कटा फटा नहीं है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर ECG आ सके। दूसरा है कि ECG मशीन पेशेंट को लगाने से पहले हमें उसके पेपर को चेक करना होता है। कभी कभी अगर पेशेंट, हम ECG लगाने गए, पेशेंट इमरजेंसी में आया, हमने ECG लगा लिया, फिर पता चला कि इसके अंदर पेपर नहीं है, तो हम वापस से पेपर लेने जाएंगे, इट्स नॉट फेयर प्रैक्टिस। सो हमें पेपर एवं ECG की क्रैक, केबल, वायर, एवरीथिंग वी नीड टू चेक फर्स्ट। ठीक है, जो इसके साथ जेली होती है, अपने इलेक्ट्रोड्स कंडक्टिंग जेली होती है, वो हमेशा फ्रेश एंड एडिक्वेट मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर वो ड्राई होगी तो कंडक्शन प्रॉपर नहीं होगा और उसकी वजह से भी हमें वेरिएशन देखने मिलेगा। देन है पेशेंट को लगा के हम केबल एवं ECG डिवाइस दोनों को प्रॉपर तरीके से देख कर लेंगे कि प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है।
देन पेशेंट को हम सुपाइन एंड हाई फॉलोअर पोजीशन देते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ईसीजी करने के लिए प्रेफर साइड प्रेफर पोजीशन कौन सी है, तो सुपाइन एंड सेमी फॉलोअर पोजीशन, सॉरी। बट इन केस अगर ऐसा पेशेंट है जैसे कि उसको सुपाइन नहीं दे सकते एंड हाई फॉलोअर नहीं दे सकते, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी वाले पेशेंट होते हैं वो सुपाइन पोजीशन में सो नहीं सकते, तो क्या उनको हम ईसीजी नहीं करेंगे? उनका ईसीजी करेंगे और करेंगे उसको हाई फॉलोअर पोजीशन में सुला के कर सकते हैं, ठीक है। देन जो भी इलेक्ट्रोड्स हम प्लेस करते हैं, ठीक है, वो बॉन्स या इंसिजन या इरिटेटेड स्किन या बहुत ज़्यादा मसल वाला एरिया है वहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से भी वेरिएशन आता है। देन इलेक्ट्रोड शुड बी हैव फुल कॉन्टैक्ट, कंप्लीटली कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट में होना चाहिए स्किन के साथ में, कुछ पार्ट ऊपर या कुछ पार्ट नीचे इस तरह से नहीं होना चाहिए। देन जब पेशेंट को हम ईसीजी करते हैं तो पेशेंट को हम बोला जाता है रिलैक्स होके सो जाइए, आराम करिए, रिलैक्स होके सो जाइए। उससे क्या होता है, उसके शोल्डर होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं, कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, हम लेग क्रॉस नहीं रखने हैं। हमेशा पेशेंट को ईसीजी करने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो प्राइवेसी एंड डिग्निटी, हमें स्पेशली फीमेल पेशेंट हो या मेल पेशेंट हो, बट हमें उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना सख्त जरूरी है। देन है पेशेंट के पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मेटेलिक, जैसे कीज है, स्मार्टफोन है, जो भी मेटेलिक चीज़ है जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है वेव में, उसे हम रिमूव करना है, पेशेंट के पास नहीं रखना है। अब बात करते हैं कि किसी पेशेंट के लिम्ब एम्पुटेटेड है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है जिसका लिम्ब एम्पुटेटेड है तो उसका ईसीजी करना है, तो आप ईसीजी कहाँ प्लेस करोगे, ईसीजी लीड कहाँ लगाओगे? फॉर एग्जाम्पल किसी का फुट एंकल से एम्पुटेटेड है तो उसका कहाँ लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में उस पर्सन के जो भी लिम्ब एम्पुटेटेड है उसका सबसे क्लोजेस्ट पार्ट, सबसे पास नियरेस्ट पार्ट, जैसे कि यहाँ से एम्पुटेटेड है तो हम लीड यहाँ लगा सकते हैं, अगर यहाँ से एम्पुटेटेड है तो हम लीड यहाँ लगा सकते हैं, इस तरह से हमें जो क्लोजेस्ट पार्ट है एम्पुटेटेड प्लेस के वहाँ पे हमें लीड अप्लाई करना है, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। अब चेस्ट लीड का प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको लाइव V1, V2, V3, V1 को देख सकते हैं, जस्ट निप्पल की स्लाइडली अबव है और स्टर्नम के एंगल पे बनाया रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और ये है V1 अप्लाई करते हैं, एंड जस्ट लेफ्ट साइड में सेम लेवल पे लेफ्ट साइड में V2 अप्लाई करेंगे, ओके। देन V3 है वो V4 जो कि मिड क्लेविकुलर लाइन में जस्ट बिलो द निप्पल, निप्पल के जस्ट बिलो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ है जो हमें फील होता है स्पेस, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और इन दोनों के बीच में, बिटवीन इन दोनों के बिटवीन हम ये थर्ड लीड अप्लाई करते हैं। देन फिफ्थ वन है वो एंटीरियर मिड एक्सिलरी लाइन, यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट वन इज द सिक्स्थ, ये मिड एक्सिलरी लाइन में यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तीनों लीड एक हॉरिजॉन्टल लेवल में आते हैं, लीड फोर, लीड फाइव एंड लीड सिक्स, ओके फ्रेंड। अब बात करते हैं पेरिफेरल लिम्ब जो कि इमेज में दिखाई दे रही है, ये हमने राइट आर्म में लगाई, ठीक है, राइट लेग, लेफ्ट आर्म एम लेफ्ट लेग में लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है हमारा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाला है, जो राइट लेग है वो न्यूट्रल है, ठीक है, 0 पॉइंट है, तो इसका क्या यूज है? इसका यूज समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने करंट के जो पोल लगे होते हैं उनको देखा होगा आपने, उन पोल के साइड से एक वायर जाता है, ठीक है, एक वायर होता है, वो वायर हम जमीन में गाड़ते हैं, कुछ इसी तरह का इफेक्ट ईसीजी के साथ आता है, और उसी लिए राइट लेग को लीड लगाई जाती है जो अर्थिंग का काम करती है। और प्रैक्टिकली राइट लेग वाली लीड को हमें सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए, देन आफ्टर हमें बाकी सब लीड्स अप्लाई करनी चाहिए, यह एक बहुत की पॉइंट है ध्यान रखने लायक। देन अदर टाइप ऑफ ईसीजी, 5 लीड ईसीजी, 3 लीड ईसीजी, यह कभी कभी क्लिनिकली यूज किया जा सकता है, तो आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब रिजल्ट की बात करें तो पी वेव है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? आरटीआर डीपोलराइजेशन। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो, उसमें जो क्यू वेव है वो डीपोलराइजेशन ऑफ द सेप्टम, वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकुलर का जो सेप्टम वाला पोर्शन होता है उसे क्यू वेव रिप्रेजेंट करती है। देन द लार्जेस्ट वेव है वो
आर वेव। अब बात सोचेंगे कि लार्जेस्ट वेव आर क्यों है, आर इतनी बड़ी क्यों है। इसके लिए मोर मसल्स देन मोर सेल, जो मोर सेल है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ भी बड़ी होगी। इस वजह से हमें आर वेव है वो बहुत बड़ी दिखाई देती है कंपेरेटिवली बाकी सब वेव से, ठीक है। तो और जो मेन मसल्स में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आर वेव डिपोलराइजेशन होता है। देन एस वेव है, एस वेव है, एस वेव हमें रिप्रेजेंट करती है पुरकंजे फाइबर के डिपोलराइजेशन को। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन में यूज किया जाता है। टी वेव है वो वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन में यूज किया जाता है। अब एस टी सेगमेंट है, एस टी सेगमेंट कार्डिक इस्केमिया या नेक्रोसिस दोनों ही कंडीशन में अप डाउन होता है। प्लीज़ कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।